वेळेत कर भरणाऱ्या प्रामाणिक करदात्यांसाठी एक नवं व्यासपीठ या देशात तयार. पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते या नव्या व्यासपीठाचं लोकार्पण करण्यात आलं. पारदर्शी कर आकारणी, प्रामाणिकतेचा सन्मान असं या व्यासपीठाचं नाव आहे. प्रामाणिक करदात्यांसाठी केंद्र सरकारनं हे पाऊल उचललंय. त्याद्वारे करदात्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे. पारदर्शक कर प्रणाली या 21व्या शतकातील नव्या व्यवस्थेचं लोकार्पण करण्यात आलं. आजपासून ती लागू होणार असल्याचं नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं. इसवी सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है. इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं. फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देशभर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी. इस व्यवस्था ने ईमानदारी से व्यापार कारोबार करने वालों को, रोजगार देने वालों को और देश की युवा शक्ति की आकांक्षाओं को प्रोत्साहित करने के बजाय कुचलने का काम किया. साथियों, जहां कॉम्प्लेक्सिटी होती है वहां कंप्लायंस भी मुश्किल होता है. कम से कम कानून हो, जो कानून हो वो बहुत स्पष्ट हो तो टैक्स पेयर भी खुश रहता है और देश खुशहाल होता है. कॉरपोरेट टैक्स के मामले में हम दुनिया में सबसे कम टैक्स लेने वाले देशों में से एक हैं. साथियों, कोशिश ये है कि हमारी टैक्स प्रणाली सीमलेस हो, पेनलेस हो, फेसलेस हो. सीमलेस यानी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हर टैक्स पेयर को उलझाने के बजाय समस्या को सुलझाने के लिए काम करे. पेनलेस यानी टेक्नोलॉजी से लेकर रूल्स तक सब कुछ सिंपल हो. फेसलेस यानी टैक्स पेयर कौन है और टैक्स ऑफिसर कौन है इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए. टैक्स पेयर चार्टर, ये टैक्स पेयर चार्टर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है और टैक्स पेयर के लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों को संतुलित करने का और सरकार की जिम्मेवारी पक्की करने का ये बहुत अहम कदम है.